माफिया अतीक अहमद के एक ऑफिस का वीडियो सामने आया है। ऑफिस में खून से सना चाकू, खून से सनी चूड़ियां और एक दुपट्टा मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर फोरेंसिक की टीम पहुंचकर जांच करेगी। आज तक से जुड़े समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज के चकिया स्थित अतीक अहमद के ऑफिस पहुंची पुलिस को जगह जगह खून के धब्बे देखने को मिले। मौके पर एक चाकू भी पड़ा मिला है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि मामला क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, कार्यालय की सीढ़ियों पर खून के धब्बे, कपड़े और कुछ कागज भी मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को कार्यालय की सीढ़ियों से छत तक खून के छींटे मिले हैं। इसके अलावा सोफे पर बर्तन, कुछ कैलेंडर्स और बहुत सी चीज़ें अस्त व्यस्त पाई गई हैं। प्रयागराज ACP सत्येंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया, मैंने खुद जाकर निरीक्षण किया, कार्यालय में किचन के पास खून के धब्बे मिले हैं। FSL की टीम कुछ देर में पहुंचकर जांच शुरू करेगी। CCTV फुटेज की भी जांच की जाएगी। इससे पहले अतीक अहमद के चकिया स्थित इस ऑफिस पर साल 2017 में प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया था। इसके बाद से ऑफिस खाली पड़ा हुआ था, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि अतीक अपना गैंग यहीं से चला रहा था। उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस ने इस ऑफिस में छापा मारा था। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने उस वक्त 72 लाख रुपये नकदी, 10 असलहे, 112 कारतूस और 6 मोबाइल बरामद किए थे। बोर्ड के मुताबिक पुलिस ने उमेश पाल की रेकी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें अतीक अहमद का मुंशी और ड्राइवर शामिल थे। इन लोगों की निशानदेही पर पुलिस ने ऑफिस से लाखों रुपए और हथियार बरामद किए थे। आज उसी कार्यालय में जगह जगह खून के धब्बे और एक चाकू बरामद किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के लगभग 2 महीने बाद भी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता फरार है। पुलिस की टीमें लगातार शाइस्ता की तलाश में लगी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसी भी खबरें हैं कि शाइस्ता पर इनाम बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले शाइस्ता पर इनाम 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया था। अब इस इनाम को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि बीती 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब अतीक अहमद और अशरफ पर हमला हुआ, उस वक्त पुलिसकर्मी दोनों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर आए थे। इस दौरान मीडियाकर्मी अतीक और अशरफ की बाइक लेने की कोशिश कर रहे थे, तभी 3 लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। 18 राउंड फायरिंग के बाद तीनों हमलावरों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में जांच अभी चल रही है। इस बीच आरोपियों को लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं। मामले की जाँच के लिए बनी SIT के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि इस मर्डर में सिर्फ 3 शूटर्स ही शामिल हैं। अब तक जांच में किसी चौथे व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया है। रिपोर्ट के मुताबिक अतीक अशरफ मर्डर का मुख्य आरोपी सनी ही है। उसने ही लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को तैयार किया था। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी अभय। मेरा नाम दिव्यांशी सिंगाव है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।